मलाजखंड थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम छिंदी टोला के करहू में एक व्यक्ति अपने साले को चाकू मारकर घायल कर फरार हो गया। 6 जून को 2 बजे यह घटना घरेलू विवाद के चलते हुई। घायल युवक निकेश पिता कृपाराम देवान 21 वर्ष को गोंदिया के अस्पताल में भर्ती किया गया है। एक युवक को चाकू मारकर प्राणघातक चोट पहुंचाने के आरोप में उसके जीजा फागुलाल पिता केशवलाल चोरटे सालस टोला ग्राम भंडेरी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर जाँच शुरू की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार फागुलाल का ससुराल छिंदी टोला करहू का है। घरेलू विवाद के चलते फागुलाल की पत्नी 2 माह से अपने मायके में रह रही थी, दुकान में ही काम कर रही थी। बताया गया कि फागुलाल अपनी पत्नी को लेने उसके मायके आया था, किंतु वह उसके साथ जाने से इनकार कर रही थी। 6 मई को 2 बजे फागुलाल अपनी पत्नी को लेने छिंदी टोला आया था, किंतु वह उसके साथ जाने से इनकार कर रही थी। इसी बीच फागुलाल और उसके साले नीलेश के बीच विवाद हो गया। फागुलाल ने आवेश में आकर अपने साले नीलेश के घर में घुसकर उस पर चाकू से वार कर दिया। चाकू के प्राणघातक हमले से नीलेश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत ही बिरसा के अस्पताल में भर्ती किया गया था। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल बालाघाट रेफर कर दिया गया है। परिवार वालों ने उसे गोंदिया के निजी अस्पताल में भर्ती किया है। इस मामले में लखनलाल उर्फ लखी पिता धर्मलाल दीवान 22 वर्ष के द्वारा की गई रिपोर्ट पर फागुलाल चोरटे के विरुद्ध 294 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। घटना के बाद से आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है।